ज़ेलेंस्की की मुश्किल सिर्फ ये नहीं है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के लिए एक और नई हथियार वाली रणनीति बनाई है। जिस हथियार से यूक्रेन की फौज लड़ रही है, वही हथियार अब रूसी सेना को देने की तैयारी है। रूस इसके लिए अफगानिस्तान को तैयार कर रहा है। हम आपको बताते हैं कि अगर तालिबान की सरकार तैयार हो गई तो रूस को कौन कौन से अमेरिकी हथियार मिल सकते हैं। जब यूक्रेन युद्ध अंतहीन सा हो चुका है, जब अमेरिकी हथियार से रूस पर यूक्रेन का पलटवार जारी है, जब अमेरिकी हथियार रूस के लिए दीवार बन चुके हैं, तब रूस ने अमेरिकी अवरोध को अमेरिकी हथियार से ही तबाह करने की तैयारी शुरू कर दी। पश्चिमी मीडिया में दावा किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन ने मेड इन अमेरिका हथियार रूसी आर्मी को देने का फैसला लिया है और इसके लिए पुतिन की नजर है अफगानिस्तान पर। पश्चिमी मीडिया में क्रेमलिन के सूत्रों के हवाले से ये सनसनीखेज दावा किया गया है। दावा किया जा रहा है कि रूस की सरकार तालिबान की सरकार के साथ बातचीत कर रही है। बातचीत का मकसद अफगानिस्तान से अमेरिकी हथियार हासिल करना है। अमेरिकी हथियार के बदले रूस ने उसे अपने हथियार और सैन्य उपकरण देने की पेशकश की है, क्योंकि अमेरिकी फौज जब काबुल छोड़कर जा रही थी तब बड़ी तादाद में हथियार वहीं छोड़ गई थी। इतना ही नहीं, अमेरिकी हथियारों पर तालिबान ने कब्जा भी कर लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान लड़ाकों के 5 लाख अमेरिकी हथियार और 50,000 वाहन तक चुरा लिए। उसके 2 भंडार को भी लूट लिया था। सबसे पहले ये समझिए कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक अमेरिका की फौज ने कितने हथियार तालिबान को सौंपे थे। 33 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तालिबान के पास अमेरिका छोड़ गया। इसके अलावा 23 सुपर टुकानो लड़ाकू विमान और 4 C-130 परिवहन विमान भी अफगान वायुसेना को सौंप दिए गए। और इतना ही नहीं, 22,174 हाई मोबिलिटी मल्टीपर्पज व्हील्ड व्हीकल अमेरिका ने तालिबान को दिए थे। 634 की तादाद में वो M-117 गार्जियन जो बख्तरबंद कारों की V-100 और V-150 कमांडो श्रृंखला पर आधारित एक आंतरिक सुरक्षा वाहन है। 115 की संख्या में M-1224 मैक्स प्रो MRAP जो एक बख्तरबंद लड़ाकू वाहन है। 549,118 मशीन गन, असॉल्ट राइफलें, तोप और पिस्तौल अमेरिका छोड़ गया था। 16,000 से ज्यादा नाइट विजन गॉगल्स, 1,62,000 से ज्यादा सैन्य रेडियो, इसके अलावा 8,000 ट्रक और अन्य सैन्य उपकरण अफगानिस्तान में रह गए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अफगान सैनिकों को हथियार और अन्य सैन्य उपकरण देने पर करीब $62 मिलियन खर्च किया था। यानी अफगान सरकार के पास भी अमेरिकी हथियार थे। अब रूस इन्हीं हथियारों को तालिबान सरकार से लेना चाहता है। यूक्रेन में अपने सैनिकों को यही हथियार देना चाहता है। सवाल उठ रहा है कि रूस को अमेरिकी हथियारों की जरूरत क्यों पड़ गई। तो समझिए, रूस को इस वक्त हथियारों की सख्त जरूरत है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में रूस को जबरदस्त नुकसान हुआ है। रूस को ईरान या फिर उत्तर कोरिया के अलावा कहीं और से हथियार मिल नहीं रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि यूक्रेन में लड़ाई अमेरिकी हथियार से ही हो रही है। ऐसे में अमेरिकी हथियार से पलटवार करने में रूसी फौज को सहूलियत होगी। यही वजह है कि रूस की नजर अफगानिस्तान के हथियारों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।